वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका 6 अक्टूबर 2022 का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। कैसा गया एग्जाम बताइएगा? ठीक ठाक गया। हाँ, कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 80 प्लस। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? ठीक ठाक, कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा हार्ड था, मतलब कुछ नंबर क्या कहता है, कुछ मैथ का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड था, बाकी सारा सही था। मैथ का क्वेश्चन कुछ जगह था जो बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था। जैसे ये क्या था, एक क्वेश्चन को याद है जो कि हम बहुत पढ़ाने कोशिश किए नहीं बना, 3 अभाज्य संख्या का सम क्या कहता है 40 था। अब वो 3 को निकालते परेशान हो गए, लेकिन मिला नहीं। ये यहाँ एक जगह यहाँ पे हम फंसे, और एक दो जगह क्या कहता है, मतलब जो नंबर सीरीज था वहाँ पे हम दो जगह फंसे, और दोनों जगह में एक भी नंबर सीरीज मतलब खोजते रहे लेकिन मिला नहीं। तो मतलब क्वेश्चन क्या था पिछला के तुलना, कुछ क्वेश्चन कॉमन मिल रहा था पैटर्न, जैसे पिछला एनालिसिस देखते थे? हाँ, पिछला एनालिसिस देखते थे, उससे बढ़िया अगर मैथ का और क्या कहता है जीके का रीजनिंग और साइंस का करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अदर सब्जेक्ट नहीं है। नदी से क्वेश्चन था कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा नदी था, जिसमें लूनी था, घग्गर था, और दो और था, याद नहीं आ रहा है, लूनी था, घग्गर था, याद है, हाँ चंबल भी था, एक नदी चंबल एक नदी था। अच्छा, साइंस का कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन था, कहाँ से? चाहे आज साइंस का क्वेश्चन में मतलब रासायनिक के वजह से एक क्वेश्चन था, उसमें था क्या कहता है NaCl और क्या कहता है कैल्शियम कार्बोनेट था। तो उसमें ऑप्शन दिया था कि क्या कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे नहीं दिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस प्रेसिपिटेटेड, या क्या कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट और कम्बिनेशन, एग्जाम दिया है इस तरह से करके क्या कहता है दे रहा था। इस तरह मतलब एक ऑप्शन नहीं, दो सबसे लास्ट में था, मतलब सिर्फ लिखा हुआ था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन क्या कहता है सोडियम से रिएक्ट कर जा रहा है, और उसके साथ क्या कहता है एने के साथ तो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनेट यहाँ पे बन रहा है, तो इसका अलग हो जा रहा था। क्वेश्चन पेपर कैसा था, लेंदी था क्या क्वेश्चन का लेवल? लेंदी नहीं था, अगर प्रैक्टिस सही से किया हुआ हो तो क्या कहता है लेंदी नहीं है, मतलब क्या कहता है क्वेश्चन को डीप माइंडेड करके रखा गया था। अच्छा, थोड़ा सा डीप माइंडेड अगर जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, हाल में किया होगा तो उसका अलग ही बात है। पीरियोडिक टेबल अवर्ड सारणी से क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से अवर्ड सारणी से क्वेश्चन मेंडली वाला था, जिसमें क्या कहता है उसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें बोला था 8वां का कौन सा इसके सीरीज में नहीं आता, जिसमें कॉपर था, आयरन था, कोबाल्ट था, निकल था, इसमें तो कॉपर कोबाल्ट निकल तो सारा एक जाति का है, एक फैमिली का है, तो इसमें क्या कहता है कोबाल्ट निकल कॉपर निकल गया। धातु अधातु से कोई क्वेश्चन? धातु से धातु से कोई क्वेश्चन याद नहीं। बायोलॉजी से क्वेश्चन था, ये क्या कहता है वोमन पिंपिट जो होता है ना उसको कौन घेर के रखता है, ठीक है ना, कौन घेर के रखता है, वही था। क्या बोले, कहाँ से रिडक्शन से क्वेश्चन आया था? हाँ, रिडक्शन से क्वेश्चन ये था कि रिडक्शन का क्वेश्चन ये था कि क्या कहता है जैसे होता है ना इसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो ऐसे करके दिया था, पहला में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या तीसरा में था ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, और चौथा में था कोई नहीं होता है, इस टाइप का था। अच्छा, मैथ्स का लेवल कैसा लगा? मैथ्स का सारा क्वेश्चन ठीक ठाक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा घुमाऊ था, मतलब हाईली डीप माइंडेड अगर नंबर याद आ गया भाई लग तो ठीक ठाक, नहीं तो कोई पाई नहीं। जैसे क्या कहता है मेरा एक में फंसे था ना बताया, तो क्या कहता 3 प्राइम नंबर था जिसका सम 40 था, जिसको हम निकालते परेशान हो गए, वो निकला नहीं। कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी पूरा ये दिया नहीं, 4 ऐसा नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चन था जो कि लेंदी बनाया गया था, ऐसा आप सबके साथ नहीं कह सकते कि सारा का सारा क्वेश्चन लेंदी था, कुछ क्वेश्चन को जानबूझ के लेंदी किया गया था, सब तो सॉल्व नहीं हो सकता ना। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आपको? रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था, लेकिन क्या कहता है वही पीरियोडिक मतलब टेबल वाला क्वेश्चन में जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसको तो सबको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते गए, लास्ट में उसको आए देखने के लिए, जिसमें 2 बना और बाकी नहीं बना, क्योंकि एक था क्या कहता है एक में छः बैठा था टेबल के अंदर, एक में क्या कहता 8 बैठा था, तो 8 नहीं एक 8 था, लेकिन क्या कहता वो पैरेलल में था, मतलब आगे पीछे बैठा होता, जिसमें दिक्कत हो गया था, इसलिए क्या कहता वो बना नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आमने सामने बैठता तो ज़्यादा दिक्कत होता, टेबल पर रहता तो क्या ना फटाफट बन जाता है। आपका अटेम्प्ट कितना बताया? 80 प्लस। तो जैसे एनालिसिस सबको फ़ायदा होता था? एनालिसिस सर हम देखते रहते थे, मतलब 20 दिन से हम कोई किताब कॉपी छू नहीं रहे थे, मतलब चूंकि इलेक्शन के कारण घर में मम्मी खड़ा हुई है तो 20 दिन से किताब कॉपी छू नहीं रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं लास्ट वाला क्या कुछ भी करते रहते हैं, एनालिसिस किसी भी समय देख लेते थे। एनालिसिस देख लेते हाँ, पहले से आप में हमारा चैनल देखते थे? हाँ देखते थे, आपको देख के तो फिर हम बोले कि MK सर, हमको आपका नाम याद नहीं था, लेकिन आप बोलते थे MK सर, आप कल परसों भी पढ़ाए थे अनुच्छेद वगैरह, उससे क्वेश्चन था कि कहता प्रथम वर्षीय योजना में क्या कहता है किसके मॉडल पे था, तो हेमंत डोमर था, वो क्वेश्चन था, और पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन दिखा, एक क्वेश्चन वहाँ से, और एक था क्या कहता है मौलिक अधिकार जिसमें मौलिक कर्तव्य जिसमें जुटा था, तो उसमें कौन प्रधानमंत्री कौन था, अच्छा वहाँ से था, एक वो भी क्वेश्चन था। जिनका सामने एग्जाम है उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या चीज़ की कैसे तैयारी करें? मॉडली जो पहले से पढ़े हो वही पढ़ो, डीपली नया चीज में जाने की जरूरत नहीं है, और खेल वाला सारा देख लीजिए। IPL से क्वेश्चन था कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था इस बार? अच्छा, IPL से क्या था, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? वहाँ से था, हाँ सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी कौन था। ठीक सर, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस देने के लिए। तो आप एग्ज़ाम दिए हैं, कैसा गया एग्ज़ाम बताइए? एग्ज़ाम सर अच्छा गया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर?
65 क्वेश्चन सॉल्व किए। 65 जी सर। पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर हार्ड था सर। हार्ड था जी सर। दिमाग घुमा दिया ना? अरे मत कहिए, मत कहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग घुमा दिया। बहुत 65 बनाए हैं जी सर। कुछ क्वेश्चन याद है? एक रेगा पेंडुलम था जो मुहर्रम बकरीद वाला था। अच्छा। आए अब बल्ब का टंगस्टन वाला था, एक बल्ब का टंगस्टन वाला आया हुआ। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया था जी सर। तो मतलब कैसा लगा? बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगा? बहुत हार्ड था सर, बहुत हार्ड था। पता नहीं चला कैसा सर, पता नहीं चला ना। कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा? मैथ्स रीजनिंग की सब हार्ड लगा? रीजनिंग मैथ तो हार्ड था सर। रीजनिंग मैथ। हाँ जीके तो बहुत कम था। जीके कम था जी सर। ठीक है, तो पहले से पहचान रहे हैं जी सर? हाँ देखते थे एनालिसिस। हाँ अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस देने के लिए। तो आप ये देखे होंगे कि आपका 6 अक्टूबर 2022 का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। तो लगभग आप लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल भी आपका एग्जाम है 7 तारीख को, तो कल भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। फोर्थ फेज का आपका कल एग्जाम है। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल सुबह का एनालिसिस में। धन्यवाद सभी को। और साथ में आपको कहना चाहते हैं टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में पूरा फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन जो है आपको फ्री में PDF वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। धन्यवाद सभी।